Hey guys, welcome back to my channel. It's me Nilufar. In this video I am going to share with you colorful smokey eye jo ki aap bahut easy quick way mein ye bana sakte hain. Main step by step aapko dikhaungi. You just need multiple shaded palette, koi bhi brand ka hai aap wo try kar sakte hain. So let's quickly start this video. So first before I start, मैंने eyes को prime कर लिया है with the help of concealer and set with the powder. Next मैं यहाँ से orange shade pick कर रही हूँ, बहुत ही light shaded है, so उसे मैं inner corner में just place करूँगी. So just आप notice कीजिएगा, जो भी मैं यहाँ पर palette use कर रही हूँ, जो भी apply कर रही हूँ, सारी सिर्फ मैं place कर रही हूँ. So other eye में भी ऑरेंज शेड जो है मैं प्लेस करूँगी इनर कॉर्नर में. नेक्स्ट उससे एक स्टेप डार्कर जो है पिंक शेड पिक कर रही हूँ और उसी के साथ मैं मर्ज करूंगी सेंटर ऑफ माय लिट पिंक कलर. कीप इन योर माइंड कि लाइट शेड से आप जाते हुए कॉर्नर तक आपको डार्क शेड पिक करना है. सो जैसे मैंने पिंक कलर जो है यहाँ पर पिक किया है, अदर आई में भी सेम वैसे ही मैं सेम ब्रश के एक फ्लैट ब्रश के हद से मैं प्लेस कर रही हूँ. सो यू कैन सी जो मेरा क्रीज एरिया है वो अभी तक सेटल नहीं है. जस्ट पहले मैं शेड को कलर से मैं यहाँ पर प्लेस करूँगी. अब मैं पर्पल कलर शेड जा रही हूँ और इसे मैं आउटर वी में पहले प्लेस करूँगी, क्योंकि आप देख सकते हो तभी एक ओम्ब्रे इफेक्ट भी पड़ेगा और आपका आई लुक जो है ना बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी देगा अगर आप मल्टीपल शेडेड यूज़ कर रहे हैं. सो इसे मैंने आउटर वी में अच्छे से प्लेस कर दिया है. तो थोड़ा सा डार्क शेड मैं कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्मोकी लुक लगे. एंड जस्ट यू नीड वन काजल, कोई भी काजल ले सकते हैं. बाय द वे मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया ये मैक का काजल है. सो इसे जस्ट मैं आउटर वी में एक वी शेप बना रही हूँ. जस्ट मैसी सा भी आप बना सकते हो क्योंकि एट द एंड उसे हम फिक्स कर लेंगे. एंड देन अगेन सेम फ्लैट ब्रश के हेल्प से उसे मैं ब्लेंड करूँगी और इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट जैसे होता है ना, जैसे विंग क्रिएट करते हैं, वैसे मैं इसको ब्लेंड करते हुए लेके जाऊँगी एंड क्रीज एरिया तक इसे मैं ब्लॉक करूँगी. जैसे आप देख रहे हो सेम ऐसे ही आपको करना है. तो यू कैन सी थोड़ा सा मेसी लग रहा है, बट डोंट वरी, इसे हम आगे मैं फिक्स करूँगी, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगी. सो अदर आई का भी मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. तो यहाँ पर क्या होता है, आपका आउटर भी है, आपको लाइनर की भी नीड नहीं है, बट अच्छा दिखता है. देन एक क्लीन फ्लफी ब्रश चाहिए होगा. अब हम क्या करेंगे, जो क्रीज एरिया है उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, चाहे वो सर्कुलेशन मोशन में हो या आप जैसे भी कंफर्ट हो आप उसे अच्छे से ब्लेंड करते रहिए. जो हार्श लाइन था अब वो क्लीन हो चुका है, मर्ज हो चुका है और अब ये लुक जो है पहले से बेटर लग रहा है. देन मैं जो पर्पल शेड है उसे मैं थोड़ा सा फिर से लूँगी एक छोटे से ब्रश के हेल्प से, जस्ट आउटर प्लेस में थोड़ा सा डार्क शेड के लिए मैं यहाँ पर प्लेस करूँगी एंड थोड़ा सा मैं बफ करूँगी सेम फ्लफी ब्रश के हेल्प से. तो ये हो चुका है. अब हमें लेना है कंसीलर एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से. अब मैं आउटर वी को थोड़ा सा क्लीन करूँगी और आप देख सकते हो अब थोड़ा सा क्लीन शेप आ रहा है और फ्लफी ब्रश के हेल्प से उसे मैं अच्छे से पाउडर के साथ ही ब्लेंड कर लूँगी और जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा मैसी है उसे भी मैंने क्लीन कर लिया है. सो है ना ईजी स्टेप. तो ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा. कोई भी आई लुक है जब मैस होता है तो आप कंसीलर के हेल्प से उसे कंसील कर सकते हैं. अगेन सेम काजल जो है मैं अपने लोअर वाटर लाइन पर प्लेस करूँगी. आप चाहो तो वाइट पेंसिल या ब्लू पर्पल में से कोई आई पेंसिल है आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा जाएगा. एंड अगेन सेम शेडो जो है वन बाय वन जैसे ऊपर की तरफ लिप पे है वैसे ही मैं इसको प्लेस करूँगी. एंड आउटर वी में भी जो लास्ट वाला है उसे मैं पर्पल से करने के बाद मैं एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से एक साथ एक बार ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट अपने लैश को अच्छे से कर्ल करना है. देन विद द हेल्प ऑफ मस्कारा इसे अच्छे से आप कोट कर लीजिए. सो यहाँ पर मैंने हाइपर कर्ल मस्कारा लिया है मेबेलिन का और इसे मैंने अपर लैश एंड लोअर लैश दोनों को अच्छे से कर्ल किया है. एंड ऑफलाइन जो है मैंने यहाँ पर फोर्थ लैश अप्लाई कर लिया है. सो दिस इज़ माई फाइनल लुक. आई होप आपको वीडियो ईजी एंड अच्छा लगा होगा. सो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड लीव योर कमेंट बिलो कि वीडियो आपको कैसे हेल्प हुई है, किस टाइप की वीडियो देखना चाह रही है वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज़.